Hello friends, today we discuss about the subject of computer application and library network. So here we cover some topics here, unit wise, unit first, introduction of computer, unit second, automation of library operations, unit third, library management, software, CDS and ISIS, unit fourth, computer based information services, and the last one, unit fifth, existing networks. Units first में हम discuss करेंगे basics of computer like its parts, input and output devices and various softwares used with the help of computer. Unit second, automation of various library operations. How we use the computer in the library operations. Unit third में library management software. लाइक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिसे लाइब्रेरी में हम यूज़ करते हैं, उसका नेम है CDS एंड ISIS. नेक्स्ट यूनिट, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस. हाउ वी यूज़ द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर के थ्रू हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लाइक देयर आर टू सर्विसेज, CDS एंड ISIS सर्विसेज. नेक्स्ट वन, एग्जिस्टिंग नेटवर्क. लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि दैट देयर आर वेरियस नंबर्स ऑफ नेटवर्क विच वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी लाइक इंक्लूडनेट, अर्ननेट, निकनेट. सो हियर वी गो विद द यूनिट वन. इंट्रोडक्शन. द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. एज यू नो द कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कैलकुलेट करता है. कंप्यूटर वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड इंग्लिश कंप्यूट विच मीन्स अकाउंटिंग ऑफ नंबर्स, काउंटिंग एंड अकाउंटिंग मशीन. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन एंड डेटास विच इज ऑटोमेटिकली फीड आर एक्सेप्टेड एंड कलेक्टेड एंड आफ्टर एनालाइजिंग डेटास are converted into information which is stored in retrieval for use. Okay, so here I am briefing the full form of computer. C stands for common, O stands for operating, M stands for machine, P stands for purposely, U stands for use, T stands for technology, E stands for education, and R stands for research. About the characteristics of computer, so here I listed some characteristics of computer. First one, speed. Speed matlab gati. The computer is able to process the data and give the output in fraction of second such that required information is given to the user on time. Like kya karta hai computer, jo bhi aap data feed karte ho chahe wo kitna bhi बड़ा हो, उसे नैनो सेकंड में वो क्या करता है, आपको आउटपुट देता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्यूरेसी. द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज हाई इनफ विच अवॉइड एनी एरर. इफ इट ऑल देयर आर एरर, दे आर ड्यू टू एरर इन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्रोग्राम. कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कभी भी एरर क्रिएट नहीं करता है, और अगर प्रोसेसिंग में कोई भी एरर होता है तो वो उसको शो करता है बाय एन इंस्ट्रक्शन. थर्ड वन, रिलायबल. द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज वेरी रिलायबल, बट इट इज रिलायबल ओनली देन द डेटा विच इज पासिंग एज इनपुट टू द कंप्यूटर एंड द प्रोग्राम विच गिव इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट एंड रिलायबल. कंप्यूटर की ये करेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी डेटा आप कंप्यूटर को दे रहे हो वो एकदम सही होता है और एक्यूरेट होता है. जब तक अगर आप कंप्यूटर को डेटा गलत नहीं दोगे तब तक वो एक्यूरेट और रिलायबल ही रहेगा. नेक्स्ट वन, स्टोरेज कैपेसिटी. द कंप्यूटर हैज़ अ प्रोविज़न टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन द स्मॉल स्टोरेज डिवाइसेज विच हैव कैपेसिटी टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड हेल्प टू रिट्रीव ऑफ डेटा एंड ईजी टास्क. कंप्यूटर बहुत सारा डेटा अपने छोटे से डिवाइस में सेव कर लेता है विदाउट एनी हैडसेट. नेक्स्ट वन, वर्सेटाइल. कंप्यूटर आर वेरी वर्सेटाइल मशीन. कंप्यूटर आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क प्रोवाइड द टास्क
कैन बी रिड्यूस टू सीरीज लॉजिकल स्टेप। कंप्यूटर ऐसा नहीं है या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करेगा, ये क्या है, वर्सेटाइल है, ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो अल्फाबेटिक हो, कैसे भी टास्क को। नेक्स्ट वन ऑटोमेशन, वंस द इंस्ट्रक्शन फीड इन कंप्यूटर इट वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और मीट्स लॉजिकल इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन द जॉब। कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक है, आपको एक बार डेटा फीड करना है, बाकी उसके बाद की जो भी प्रोसेसिंग होगी वो कौन करेगा, वो कंप्यूटर ही करेगा, इट वर्क ऑटोमेटिकली। लास्ट वन डेलीगेंस, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फैटीग एक्सेट्रा, इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। कंप्यूटर बिना थके अपना काम कर सकता है और इसकी कोई बाउंडेशन और लिमिटेशंस नहीं है कि ये कितने आज तक काम कर सकता है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी सी द यूज ऑफ कंप्यूटर, इन विच एरिया वी यूज द यूज ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कहाँ हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। फर्स्ट वन है साइंटिफिक रिसर्च, लाइक आपने देखा होगा जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक DRDO's डिफेंसेस की, वो क्या यूज़ करती हैं, वो हमारे कंप्यूटर ही यूज़ करती हैं, उसी के थ्रू हमारे जो भी रिसर्च होती है वो पॉसिबल होती है करना। नेक्स्ट वन बिजनेस यूजेस, आपने देखा होगा आजकल जो भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेसमैन हैं वो किसकी हेल्प ले रहे हैं, कंप्यूटर, कंप्यूटर इज मस्ट फॉर देयर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इस फील्ड में भी आप क्या यूज़ करते हो, कंप्यूटर का ही यूज़ करते हो, लाइक सैटेलाइट्स, मिसाइल्स, लॉन्चर्स एंड ऑल। नेक्स्ट वन एजुकेशनल डिपार्टमेंट, मैक्सिमम यूज़ ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। वाई, बिकॉज अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे वर्क करोगे, तो उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम एजुकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन कम्युनिकेशन एंड देन यूजफुल ऑफ लाइब्रेरीज, यहाँ पे हम लाइब्रेरी में आप कंप्यूटर कैसे यूज़ कर सकते हो, लाइक ट्रेडिशनल वे क्या था लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी का लाइक वो पूरा काम जो होता है मैन्युअली करती थी, आपको हर एक बच्चे का डेटा रखना होता था, रजिस्टर मेंटेन करना होता था, जो क्या था टाइम कंज्यूमिंग था। बट कंप्यूटर की हेल्प से आप क्या करते हो, एक्सेल शीट बना सकते हो, या अगर आपका खुद का लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें डेटा फीड करके एकदम से एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। लास्ट वन एनवायरमेंटल यूज के लिए, हेयर वी गो विद द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से बेसिक्स पार्ट हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो, देयर इज अ मॉनिटर, दिस वन इज कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, माउस, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, देयर इज वन हेडफोन, लाइक राइट नाउ आई एम यूजिंग हेडफोन, एंड देन वन इज प्रिंटर विच इज मस, देन CPU, CPU मीन्स कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, एंड वन इज स्पीकर, दीज आर ऑल आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हेयर इज़ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, लाइक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फीड द डेटा इन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस विच वी कॉल इनपुट यूनिट, देन इनपुट डेटा वॉज सेव इन स्टोरेज यूनिट, जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं वो सेव होता है आपकी स्टोरेज यूनिट में, देन स्टोरेज यूनिट उसे सेंड करती है आपके CPU में, जहाँ पे आपकी होती है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जहाँ पे आपके ऑपरेशंस क्या होते हैं इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ओके, जब रिजल्ट आता है ये कैलकुलेट करते हैं, रिजल्ट आता है तो वो कहाँ फिट करते हैं, दोबारा से स्टोरेज यूनिट में, यहाँ पे दोबारा वो डेटा सेव होता है और वो डेटा फाइनली आता है इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन और रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।